बिगड़े सब फड़े हैं। हाँ, इसके अंदर सीड्स है अभी, वो निकल के ब्लैक कलर के ऐसे सीड्स आएगा, ऐसा किडनी बीन्स रहते ना वैसा हो गया खाली। ये अपना तो काम ही है कंजर्वेशन, एटलीस्ट घर पे तो उगाएगा। घर पे उगा देख। हाँ, के बाद में घर पे उसका वो प्रोपोसिस अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। कुसुम तो सिर्फ बहुत सारे, लेकिन ऐसा यार मुंबई में भी कुसुम बहुत है, लेकिन स्मेल एक्चुअली ना कुछ अलग ही है। बारिश और गर्मी के बीच का जो स्मेल रहता है ना, उससे अलग ही है। थोड़ा स्मेल सॉइल का है, थोड़ा प्लांट्स का है इसका। हां, ये कुछ मेनली जैसे कुछ सॉइल है, मस्त ये वुड है ना, ये भी तरह बैठ हो गया ना मस्त, इसलिए एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड। लगने का भी स्मेल आता है ना एक्चुअली। अब तेरे को पता है क्या, अपने को बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। अपन आने का प्लान किया इसके लिए भगवान ने बारिश डाला, फिर तुम जा ही रहे हो तो जरा ऑटोमेटिक प्राणायाम भी हो जाए आपका। थोड़ा मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इतने छोटे से पकौड़ा एंट में इसमें थाउजेंड्स ऑफ रेड एंट्स आते हैं, रहते हैं अंदर। है क्या? है अंदर है, लेकिन और जाके टुकना पड़ेगा। हाय 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 हाय, ठीक आ गए ना।
आए आगे आगे बाहर आए सब, वो देखेंगे सब नीचे आएंगे, कुछ गिरेंगे भी। अलर्ट हो गए, इसका ये जब भी फ्रेश बनता है ना तभी इसका जो क्वालिटी है, जो इसका मेकिंग मटेरियल है, इट इक्विवेलेंट टू वाटर रेजिस्टेंट कार्डबोर्ड जैसा है। इसके ऊपर से कार्डबोर्ड का आइडिया है, इन लोगों का जो सलाइवा मट्टी और पत्ते का जो कॉम्बिनेशन है ना उसके ऊपर से कार्डबोर्ड बनाया। और इसका एक मेन बात है कि इसमें रूफस वुड पैकर है ना, रूफस वुड पैकर इसमें नेस्टिंग करता है, इसके अंदर उसका अंडा ले करेगा और बच्चे आएंगे। फिर भी वो लोग का इतना केमिस्ट्री जमता है क्योंकि उसका जो फेरामेट्स जो बोलते हैं ना फेरामेट्स, उसका जो स्मेल उसका और इसका दोनों का सिमिलर है, तो उल्टे का ये एंड्स है ना उसको जगा देते हैं रहने के लिए। क्यों? उसका रीज़न है कि रूफस वुड पैकर का जो बच्चे लोग के लिए जो खाना लेके आता है, जो बचता है बच जाता है, उसमें से चींटी को ऑटोमेटिक खाना मिलता है। तो ये बहुत इट इज़ अ वेरी वंडरफुल कि ये लोग कैसे रहते हैं। पैर पिछलेगा आगे माधो नीचे और
जो कलर है वो एकदम ऐसा सिंदूर ऑरेंज रेडिश जो बोल सके वैसा, और अगर वो बर्ड भी उसे देखेंगे बर्ड आई से तो पूरा ऐसा लगेगा कि आग लग गया है फॉरेस्ट में। ओके ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा। और इसका इसका फ्लावर को फ्लावर का पेटल्स को हम पानी में भिगो के रखेंगे कुछ दिनों तक तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, उसका वो एडअप कर लेगा रेडिश। हाँ रेडिश हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज सिंदूर कलर। और बाद में वो कलर से होली खेलने का, तो होली का पीरियड में ये आता है। होली जब भी होती है उसके एक महीने पहले, ये एक दो महीने पहले इसका फ्लावरिंग हो जाता है। और फिर पुराने जमाने में लोग इससे कलर खेलते थे, कृष्ण भगवान ने भी है ना इसी से होली खेली नेचुरल कलर भी होते हैं ज़्यादा खाड़ी में।